व्यूअर्स, वेलकम टू आद एनिमेट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने डोनट का बन बनाया था, तो ऐसे ही आज की वीडियो में हम लोग डोनट की आइसिंग बनाएंगे। आइसिंग बनाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी चीज समझ ना आ रही हो तो वो कॉमेंट में मुझसे जरूर पूछे। तो चलते हैं स्क्रीन पे। आए ना चले। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ब्लेंडर ऑन करेंगे और जहाँ से हमने पहले छोड़ा था डोनट वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ये ऐड ऑन ऑन कर लेता हूँ ताकि जो भी मैं प्रेस करूँ वो आपको नज़र आए। तो आप देख सकते हैं कि पिछले पार्ट में हमने डोनट मॉडल किया था, तो आज हम इस डोनट को टेक्सचर करेंगे और हम इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डालेंगे। तो सबसे पहले हम स्प्रिंकल्स डालते हैं। सबसे पहले आप डोनट को हाइड करें, एक यूवी स्फीयर ऐड करें, ठीक है, और इस यूवी स्फीयर को बहुत छोटा कर दें। उसके बाद हम वायर फ्रेम मोड में जाके इसका आधा फेस सेलेक्ट करके इसको हम लोग ऊपर कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये स्प्रिंकल की तरह लगे। इसको ज़रा और छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब हमने इसको डुप्लीकेट करना है और इस वाले को लंबा कर देना है, थोड़ा सा, ज़्यादा लंबा नहीं। और फिर इसके अंदर एक लूप कट डाल के इसको थोड़ा सा बेवल करके थोड़ा सा कर्व कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा। ये आप देखें, हमारे पास दो स्प्रिंकल्स आ गए हैं। अब हम अपने डोनट को हाइड करेंगे, ठीक है, और ये जो दो हमने स्प्रिंकल्स बनाए हैं इनको साइड पे कर देंगे। थोड़ा ज़्यादा साइड पे करना है ताकि जो आपका कैमरा है वो जो आपका कैमरा व्यू है इस ये जो स्प्रिंकल्स हैं वो इसके अंदर ना आए। तो सबसे पहले हम कैमरा ऐड करेंगे और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस इस डोनट को किस एंगल से कैमरा रखना है, ठीक है। मैं फ़िलहाल इस एंगल से रखूँगा, एक सेकेंड। आपने जिस एंगल से रखना है उस एंगल पे जाके कंट्रोल ऑल्ट नंपैड ज़ीरो दबा देना है, ठीक है। तो मैं यूजली कैमरा सेटिंग्स ये रखता हूँ, 100 मिलीमीटर्स डेप्थ ऑफ फील्ड 2, और नीचे जो एफ स्टॉप है इसको समथिंग लाइक 50 या फिर एफ स्टॉप को समथिंग लाइक 1, और फिर इस डोनट के ऊपर कर दूंगा। उसके बाद मैं व्यू पोर्ट सेटिंग में जाके हमारा जो ये नीचे जो ऑप्शन है उसको मैं फुल कर लेता हूँ ताकि हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है कैमरा के बाहर वो नज़र ना आए। उसके बाद थोड़ा सा मैं अपना कैमरा अलाइन कर लेता हूँ ये। फिर एक हम लोग प्लेन ऐड करेंगे, एस उसको 5 टाइम्स या मे बी 10 टाइम्स बिग कर लेंगे, ठीक है। और हम प्लेन को कलरिंग बाद में देंगे, सबसे पहले हम स्प्रिंकल्स ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा मूव अप कर लें, मेक श्योर करना है कि ये ज़मीन के साथ इंटरसेक्ट ना करे। और उसके बाद हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, इसकी आइसिंग को, और हम लोग पार्टिकल सिस्टम में जाके प्लस को दबाएंगे और हेयर को दबा देंगे। अब आप देखें, हमारे पास बहुत ही खूबसूरत बालों वाला डोनट आ गया है, ठीक है। अब ये जो इतने खूबसूरत बाल हैं डोनट के, अब हमने इनको स्प्रिंकल्स में तब्दील करना है। तो हम लोग रेंडर में जाएंगे, पाथ को ऑब्जेक्ट में कर लेंगे। अब हमारे खूबसूरत बाल गंजा हो गया, हमारा जो डोनट है वो गंजा हो गया। फिर हम लोग जो इंस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो स्प्रिंकल रख देंगे।
अब आप देखें हमारे पास स्प्रिंकल्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जो छोटा वाला स्प्रिंकल है इसको डिलीट कर दें, बड़े वाले को फिलहाल रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आइसिंग को हमने सेलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट रोटेशन को, सॉरी स्केल को हमने थोड़ा सा बड़ा करना है, 100 और नहीं 0.060 में भी, यस। और रैंडम स्केल हमने कर लेना है 3, ठीक है, 0.3। अब हम आप देख सकते हैं कि ये एक ही तरफ सारे फेस कर रहे हैं, वो हम अभी सेट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने एक और काम करना है कि आप देख सकते हैं स्प्रिंकल्स बाहर जा रहे हैं जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हम वेट पेंट मोड में आएंगे आइसिंग को सिलेक्ट करके और हम इसके अराउंड पेंट करेंगे जहाँ जहाँ आपने स्प्रिंकल्स को लाना है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किधर किधर स्प्रिंकल्स लाने हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इस जगह पे स्प्रिंकल्स को लाना है, ठीक है। एक सेकेंड जी, इस जगह पे। तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा, मैं फिर वर्टेक्स ग्रुप में जाऊंगा और वहाँ ग्रुप सेलेक्ट कर लूँगा। अब आप देखें जहाँ पर मैंने पेंट किया था वहीं पर डोनट्स के स्प्रिंकल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी सी इनकी जो नंबर है वो कम कर लूँगा, लाइक 700, यस 700 इज़ गुड। उसके बाद मैं, तो गाइज अभी आप देख सकते हैं कि स्प्रिंकल्स बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो अभी हम लोग एडवांस, अगर आप देखें जहाँ इमिटर और हेयर है उसके नीचे एडवांस का ऑप्शन है, इसको आप जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके पास एक रोटेशन की मतलब रोटेशन का ऑप्शन आ गया है। देखें एडवांस को अनचेक करें, रोटेशन का ऑप्शन नहीं है, जब आपने चेक किया तो वो देखें आ गया। मैंने रोटेशन को क्लिक किया, वो देखें ये पहले तो इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये है, ठीक है, ये। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, आपने फेस को भी बढ़ा लिया, इसको आप बेशक 0.5 कर दें या फिर 0.1, लेकिन फिर भी मतलब ज़्यादातर कुछ भी नहीं हुआ ज़्यादा, ठीक है। रैंडमाइज आप 101 दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये नॉर्मल पे नहीं है। नॉर्मल पे जब आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप बेशक 1000 वापस या ज़्यादा कर सकते हैं स्प्रिंकल्स के नंबर 1000, ठीक है, लेकिन मैं फ़िलहाल 500 में भी करूँ जी, मैं 500 करूँगा। और उसके बाद मैं पहले तो वेट पेंट मोड में जाकर मैं थोड़े से और स्प्रिंकल्स देना चाहता हूँ थोड़ी और जगहों पे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, थोड़े से इधर, थोड़े से इधर, फिर आपकी मर्जी, आप जहां जहां भी देना चाहें। मैं फ़िलहाल इन कॉर्नर्स पे दे रहा हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बस यहाँ कॉर्नर्स पे थोड़े से लाने थे और मैंने कर लिया, तो मैं भी 600 में कर लूँगा द नंबर ऑफ द पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। अब हम टेक्सचर करेंगे, तो सबसे पहले हम बन को सिलेक्ट करेंगे और हम ये मटेरियल्स प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग न्यू को प्रेस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको टेक्सचर देना स्टार्ट होंगे। अब बन को हमने स्लाइटली ऑरेंजिश देना है, 0.060। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि जब मैं इसमें गया तो
अब आप जो हमारा v है इसको 0.8 करेंगे, जो s है उसको 0.850 करेंगे, और जो h है उसको 0.060 करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट बन की तरह लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी रफनेस बढ़ा देते हैं क्योंकि बन शाइनी नहीं होता, तो इसको 0.8 में भी, ठीक है, 0.8 इज़ गुड। तो अब हम अपना जो सरफेस है उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे 0.2, और ये जो ऑरेंजेस है इसको थोड़ा और ज़्यादा कर देंगे। तो गाइस उसके बाद हम लोगों ने स्प्रिंकल को सिलेक्ट करना है और हमने एक ऑब्जेक्ट इन्फो ले आना है, ऑब्जेक्ट इन्फो। उसके बाद हम लोगों ने एक कलर रैंप लाना है, हमने फिर रैंडमाइज को फैक्टर में डालना है और कलर को बेस कलर में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ जो स्प्रिंकल हैं वो ब्लैक हो गए हैं, कुछ ग्रे और कुछ वाइट, तो हम लोग 4 मे बी 5 हैंडल्स डालेंगे, लास्ट वाले को डिलीट कर देंगे, लीनियर से कांस्टेंट पे ले आएंगे और फिर सबको ब्राइट कलर में, कुछ को ऑरेंज नहीं येलो, फिर कुछ को ग्रीनिश, लेकिन स्प्रिंकल्स डार्क नहीं होते इसीलिए हमने लाइट करना है, मतलब फुल लाइट। उसके बाद हमने ग्रीन, आप अपनी मर्जी से कलर कर सकते हैं, उसके बाद रेड, या मैं ग्रीन को पिंक में भी कर देता हूँ हल्का सा, ठीक है। ये कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गए हैं इसलिए मैंने थोड़े से कम कर रहा हूँ, ब्लू और येलो सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा डोनट रेडी है। तो अब हम लेआउट में जाएंगे और हम लोग इसको प्लेन को लाइट पिंकिश दे देंगे, लाइट पिंकिश, बिल्कुल लाइट सा। और अगर आपने ब्लेंडर किट एड ऑन नहीं इंस्टॉल किया तो आप इंस्टॉल कर लें, आपने सिर्फ गूगल पे जाना है, ब्लेंडर किट लिखना है, ठीक है, एड ऑन, ब्लेंडर किट एड ऑन जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला लिंक आएगा, डाउनलोड द ब्लेंडर किट एड ऑन, उस पर आपने जब क्लिक करना है तो आपके पास डाउनलोड ब्लेंडर किट का ऑप्शन आएगा, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देख लें। जब आपने डाउनलोड कर दी और अपने लोकेशन पर रख ली तो एडिट प्रेफरेंसेस एड ऑन्स में जाके आपने इंस्टॉल पे दबाना है और फिर जहाँ पर आपने इंस्टॉल किया जिस लोकेशन पे वहाँ से कर लेना है। तो यहाँ डाउनलोड का बटन दबाएंगे, ठीक है, तो आपके सामने एक ऑप्शन, आपके पास एक फोल्डर आएगा, आपने उन फोल्डर में अपने जहाँ भी सेव करना है वहाँ पर करके ब्लेंडर में आके फाइल एडिट प्रेफरेंसेस और इंस्टॉल में जाके अपने लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। तो गाइस अब हम लोग एक प्लेट ऐड करेंगे जब हमारे पास ब्लेंडर किट एड ऑन आ जाएगा, तो आपने सर्च करना है प्लेट, तो फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है, तो हमने कोई भी एक प्लेट डाल देनी है। ये थोड़ा सा लोड होता है, ठीक है। अब आप देखिए हमारी प्लेट आ गई है लेकिन वो बहुत छोटी है, तो इसको हम ज़रा बड़ा कर देंगे, प्लेट को सिलेक्ट करें, इसको मे बी 3, मे बी 7, मे बी 15, 20, इसको 20 टाइम्स हमने बड़ा कर देना है। जब हमने 20 टाइम्स बड़ा कर लिया तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देना है और डोनट को हमने थोड़ा सा ऊपर कर देना है, डोनट को हमने थोड़ा सा रोटेट करना है, और इसको थोड़ा सा आगे ले आना है ताकि मतलब
परफेक्टली ना पड़ा हो, थोड़ा सा स्टाइलाइज की तरह हम लोग करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसे डोनट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आप अपना कैमरा व्यू अब आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और ये स्प्रिंकल, जब आप स्प्रिंकल को क्लिक करेंगे तो आपके पास पहले से ही तो ऑप्शन होगी, लेकिन उसमें जो स्फीयर से हमने स्प्रिंकल बनाया है वो हाईलाइट हो जाएगा। उसको एक तो हाइड भी कर लेना है और इसके साथ जो कैमरा का बटन है इसको अनचेक कर लेना है, ठीक है, ताकि ये रेंडर के वक्त कैमरे में ना आए। उसके बाद हम अपने रेंडर व्यू में जाएंगे, लेकिन देखें ईवी पे, ईवी से हम इसको साइकिल्स पे करेंगे, सीपीयू से जीपीयू कंप्यूट पे ले आएंगे, डिनोइजर ऑन करेंगे। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये जो मैक सैंपल्स हैं ना, ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हैं, इनको आप कम से कम 94 या फिर 94 भी ज़्यादा है, ठीक है, आप इसको 64 पे कर सकते हैं। और जो आपका व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट सैंपल वाला, उसको आप समथिंग लाइक 24 कर लें, ठीक है। डिनोइजर बेसिकली ये कहता है कि डिनोइजर सारे ग्रेन्स हटा दे दे, ग्रेन्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग कलर मैनेजमेंट में आके नन को हाई कॉन्स्टेंट करेंगे, फिल्मिक को स्टैंडर्ड करेंगे, और हम लोग इसको इन दोनों को एक एक्स्ट्रा बड़ा कर देंगे। जैसे नीचे वाला ज़ीरो है उसको 0.1 कर देंगे, और जो नीचे वाला है और भी नीचे वाला वो 1 है उसको 1.1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जितना भी हमारा ये सीन है उसकी लाइटिंग को ब्लैक कर देंगे। और आपने पॉली हेवन से कोई भी, मतलब कोई भी आपने HDRI डाउनलोड करके डाल देना है, जो भी सूट करता है। मेरे पास जो भी HDRI हैं मैं उनको अप्लाई करके देखूँगा। ये वाला सही नहीं है तो मैं और भी चेक करूँगा। तो जब आपने HDRI भी डाल दिया तो उसके बाद आप रेंडर सेटिंग्स में जाएं। यहाँ से आपने सिर्फ अपने जो आपने ये रेंडर करना है उसका नाम दें, मैं डोनट नाम देता हूँ, और उसको उस जगह पे रख लें जहाँ पर आपने इसको रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और हमने वीडियो तो बनाई नहीं है तो हम लोग PNG पे ही रखेंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि डोनट को टेक्सचर क्या करते हैं, और सक्सेसफुली हमारा यमी डोनट बन गया है। तो अब आपने घर में आराम से बैठ के एक डोनट खाना है जैसा हमने बनाया है, या इसी को प्रिंट करवा के खा लें, क्योंकि ये बड़ा यमी दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि डोनट के अंदर वाला जो है इसको भी थोड़ा सा आप ड्रिपिंग बना सकते हैं। तो गाइस तब आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यस, हम लोगों ने डोनट बना लिया, यमी था ना। इसका क्रेडिट मैं ब्लेंडर गुरु को देता हूँ जिनसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सीखा है, और मैंने आप लोगों को भी सिखाया है। तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी 3D एनिमेशन सीख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।